Hello students, now today we will start with chapter number 6. Chapter number 6 is basically related with the correspondence with members. Here you are going to study various letters written for members. Now as we have already seen the letters layout, yes? So this is a letter format, this is the letters which I taken from your textbook. So I'll just explain in a brief what is it all about. Have you seen some black color and red color inside the letter? Yes, you can see it. So the whatever is mentioned in the red, you can change it. I'll again repeat, whatever you are mentioning in the red color, you can make changes among that. It is not a big issue. And for all letters, you are supposed to remember one address. That is also totally fine. Okay. So, we will start. Chapter number 1. Letter number 1. Chapter number 6. Letter number 1. What is the heading of the letter is? Letter for issue of share certificate. Ye letter jo hai, hume kisko issue karna hai? Hamare members ko. और किस चीज के बारे में है? टू इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. अभी यहाँ पे मैंने आपके बुक में जो एड्रेस दिया है, कंफर्ट मोटर्स लिमिटेड, रजिस्टर ऑफिस, एमजी रोड, पुणे, एंड सीआईएन नंबर. तो सीआईएन नंबर आपको कितने डिजिट का चाहिए तो आपको पता होना चाहिए. कितने डिजिट का यहाँ पे मेंशन किया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. तो ये सब उसमें होना चाहिए. और ये कैसे लिखना है, क्यों लिखना है? सो दिस इज मैंडेटरी दैट यू आर सपोज टू राइट सीआईएन नंबर. तो ये जो रेड कलर में हेडिंग वाला जो पार्ट लिखा है, यू कैन चेंज द नेम एंड थ्रू आउट द ईयर यू कैन रिमेंबर द ओनली वन कंपनी नेम, दैट इज टोटली फाइन. यहाँ तक कुछ डाउट? तो आपको यहाँ तक ये समझ में आया कि कंफर्ट मोटर्स लिमिटेड का एड्रेस है, लेटर हेड है, और उसका एड्रेस है और सीआईएन नंबर. नाउ नेक्स्ट इज वी विल मूव टू फोन नंबर्स. तो हमें पता होता है कि यूजुअली जो लैंडलाइन नंबर्स होते हैं वो 7 डिजिट होते हैं और उसके पहले कोड आता है, यानी 8 डिजिट हो जाता है. जहाँ का एड्रेस डाला है उससे रिलेटेड आपको एसटीडी कोड डालना है. फैक्स के लिए भी सेम. तो ये ऑप्शनल हो सकता है, आइदर यू कैन राइट फोन एंड फैक्स, समटाइम्स इट विल बी द सेम और द नंबर शुड बी डिफरेंट. वेबसाइट एड्रेस, जो आपकी कंपनी का नाम है उससे रिलेटेड आपको वेबसाइट ईमेल डाल दो. रेफरेंस नंबर, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट. एंड डेट, तो जो डेट आप लिखोगे, जो डेट पे आप लेटर्स लिखोगे वही डेट, वही करंट डेट आपका आना चाहिए. 10 साल पुराना, बस 12 साल पुराना लेटर्स का डेट मत डालो. रेफरेंस नंबर में यहाँ पे रेफरेंस में जो कुछ रिलेटेड है वो लिखो. समटाइम्स इट शुड बी द नंबर्स एंड इट इज़ कंटेनिंग अल्फाबेट्स ऑल्सो. तो अल्फाबेट्स आपको जो चाहिए वो डाल सकते हो. इट इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल को आपको इतना डिजिट का होना चाहिए, बट इट शुड बी द रिलीवेंट कि आपका नंबर होना चाहिए. कुछ कैरेक्टर्स डाल दो, यानी अल्फाबेट्स डाल दो, उसके बाद ईयर के दो डिजिट्स आप लिख सकते हो. यहाँ तक आपको हेडिंग, डेट एंड आपका रेफरेंस पार्ट यहाँ तक समझ में आया. नाउ इनसाइड एड्रेस, जिसको आप लेटर लिख रहे हो वो भी साल भर के लिए एक ही एड्रेस लर्न करोगे तो भी चलेगा. नेक्स्ट इज एड्रेस एंड नेम शुड बी, आपको जो चाहिए वो लिख सकते हो. नाउ सब्जेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्ट. अभी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. जो ऊपर का लाइन है वो पूरा पूरा कॉपी नहीं करना है. आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ड्राफ्ट लेटर टू मेंबर्स फॉर इशूइंग द शेयर सर्टिफिकेट. तो आपको यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट में सब्जेक्ट लाइन लिखना है, बीच में लिखना है इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. सैल्यूटेशन पार्ट, यहाँ पे अभी सर, यहाँ पे पर्सन इज जेंटलमैन, तो यहाँ पे अभी आपको क्या लिखना है? डियर सर. अभी ये याद कैसे रखोगे कि आपका शेयर सर्टिफिकेट के लिए आपको ये सब इतना ही सब लर्न होना चाहिए?
तो बेसिकली हम जब लेटर्स लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू, उसको इन्फॉर्म करना है किस चीज़ के बारे में, कि उसका एप्लीकेशन आपको मिला है, कंपनी को मिला है, और हियर बाय ऑथराइज टू इशू शेयर सर्टिफिकेट। तो कितने नंबर्स एक शेयर्स हैं, क्या है, तो उसके लिए आप टेबल बनाओगे तो भी चलेगा। द शेयर सेड शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर टू यू विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ लेटर बाय रजिस्टर पोस्ट टू योर रजिस्टर एड्रेस एज मेंशन इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। आपने जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के में जो एड्रेस आपने दिया था, वही एड्रेस में आपको 15 दिन के अंदर आपके शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। यस, तो अभी यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर चेंज कर सकते हो, सिर्फ आपको 15 डेज चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट, मेन बॉडी ऑफ योर लेटर इज इशू डिटेल्स ऑफ इश्यूज ऑफ योर शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट के लिए आप क्या क्या यहाँ पे लिखोगे, आप यहाँ पे याद से कितने कॉलम बनाओगे, 4 कॉलम। जो थर्ड वाला कॉलम है तो आप वो होगा डिस्टिंक्टिव नंबर। ये डिस्टिंक्टिव नंबर किससे रिलेटेड है, ये है रिलेटेड शेयर से। शायद ही आपने लास्ट चैप्टर नंबर 2 में इशू ऑफ शेयर, सॉरी चैप्टर नंबर 2 में फीचर्स ऑफ शेयर्स में डिस्टिंक्टिव नंबर लिखा पढ़ा होगा। डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है आपको पता होगा सबको, तो फोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, आपके शेयर्स कितने इशू करने वाले हो, कितने शेयर सर्टिफिकेट इशू करने वाले हो, तो उसका नंबर। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 लिया है, आप चाहिए तो ये चेंज भी कर सकते हो। जो रेड कलर में है यू कैन चेंज इट। लास्ट इज इट शैल ऑलवेज बी अवर एंड्यूअर टू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ अवर सर्विसेज टू यू एट ऑल द टाइम थैंकिंग यू योर्स फेथफुली फॉर कंपनी। अभी जो हम लोग जब लेटर लिखते हैं पूरा अच्छे से लेटर रट के लेते हैं, बट यहाँ पे जो फॉर कंफर्ट या कंपनी का जो नाम है वो मोस्टली लिखने भूल जाता है। सो दिस इज अ कंपल्सरी, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड वाला पार्ट है जो आपको लिखना ही है, यानी योर्स फेथफुली फॉर सो एंड सो कंपनी सिग्नेचर। अभी नाम भी लिख सकते हो, लास्ट ईयर तक SD करके लिखते थे, तो अभी साइन मिस्टर आनंद स्वामी जो सेक्रेटरी है कंपनी का, उसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी डेजिग्नेशन। एंड इफ देयर आर एनी एनक्लोजर्स यू कैन राइट एट द लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर। यस, सो दिस इज एंड ऑफ योर लेटर फॉर चैप्टर नंबर 6। यहाँ तक आई होप एवरी वन शुड बी अंडरस्टैंड, एंड वॉट एवर द चेंजेस यू कैन मेक अकॉर्डिंगली, विच एवर नेम यू रिमेंबर, विच एवर एड्रेस यू रिमेंबर, बट रिमेंबर एटलीस्ट वन एड्रेस विच यू कैन, वन और टू एड्रेसेस विच यू कैन यूज इन योर लेटर राइटिंग पार्ट। अदरवाइज आप लोग लेटर के एड्रेस में एंड नेम में इतना क्रिएटिविटी करते हो, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी ऑफ द लेटर वो लिखना भूल जाते हो। सो फॉर दैट पर्पज आई विल रिमाइंड यू दैट यू आर सपोज टू बी रिमेंबर वेरी केयरफुली। यहाँ पे हमें आपको क्या याद रखना है, शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड टेबल, 4 कॉलम्स आने वाले हैं, एक में होगा आपका फोलियो नंबर, एक में होगा आपका शेयर सर्टिफिकेट नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर फ्रॉम टू डू एंड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये भी अच्छे से याद रखोगे तो यू विल डेफिनेटली, 5 में से 5 मार्क्स के लिए आता है तो एटलीस्ट यू कैन स्कोर हियर अलॉन्ग विद द फॉर्मेट एंड टेबल, यू विल एटलीस्ट गेट द 3 मार्क्स। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग डू प्रैक्टिस, देख के लिखो, 10 बार लिखो, जितने आपको टाइम लिखना है उतने टाइम लिख के लर्न करके लेटर्स का प्रैक्टिस करना है, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज वेरी स्कोरिंग। आई वॉन्ट टू टेल यू अगेन दैट दिस सब्जेक्ट इज स्कोरिंग, बट यू नीड टू डू अ हार्ड वर्क दैट राइटिंग इज मोस्टली रिक्वायर्ड फॉर द SP सब्जेक्ट। एंड दिस इज एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 6 में, लेटर नंबर 1 इज डन। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द क्लासेस। And thank you, students.